अगर कोई कर्मचारी किसी औद्योगिक संस्थान में कार्य करता है और जाने अनजाने में उससे कोई गलती होती है तो उसे चार्जशीट अर्थात आरोप पत्र मिलता है और उसे मिलने के बाद वह घबरा जाता है और जाने अनजाने में वह उसका जवाब देते वक्त कई प्रकार की गलती कर देता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आरोप पत्र का जवाब देते वक्त हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आपको आरोप पत्र मिलता है तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके द्वारा किया गया कार्य मिसकंडक्ट अर्थात कदाचार है या नहीं। मिसकंडक्ट अर्थात कदाचार क्या है, अगर आपको अभी तक यह नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको यह देखना है कि जो आपको यह आरोप पत्र मिला है उसमें वर्णित आरोप सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर के किस पैराग्राफ में दिया हुआ है। उसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से उसे समझने की कोशिश करना है और यह देखना है कि आपके द्वारा किया गया कार्य उस पर सटीक बैठ रहा है या नहीं। फिर आपको यह देखना है कि आपको कितने दिनों का समय दिया गया है इस आरोप पत्र का जवाब देने के लिए, और उससे आप यह पता लगा सकेंगे कि आपको क्या पनिशमेंट हो सकता है। आपको ज़्यादा विवाद में घुसने की आवश्यकता नहीं है, जितना हो सके सीधा और सरल तरीके से जवाब दे और जो नहीं समझ में आता है उसे सीधा इनकार कर दे, क्योंकि मिसकंडक्ट अर्थात कदाचार को प्रूफ करने का कार्य एम्प्लॉयर का होता है, आपका नहीं। ऐसा नहीं है कि जो मिसकंडक्ट अर्थात कदाचार उसमें दिया हुआ है उसको आपको डिसप्रूव करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आरोप पत्र का जवाब देते वक्त लोग क्या करते हैं, उस पर लगाए गए आरोप को डिसप्रूव करने लगते हैं और वो विवाद में घुस जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, जितना हो सके अपने जवाब को सीधा और सरल बनाएं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको चार्जशीट अर्थात आरोप पत्र का जवाब देना है। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी।